दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो यार, अगर आपको कोई भी हिडन फीचर वगैरह अच्छा लगता है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। वीडियो पसंद आते वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि यार ऐसे रिलेटेड टॉपिक से वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो चलो यार, बिना कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस फीचर का नाम है बबल नोटिफिकेशन। आपको कुछ स्टेप से देखने को मिलता है। इसको कैसे इनेबल करने में आगे बताऊंगा, बाकी इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको सिंपली अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देख सकते ऊपर आपको बबल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, बाकी नीचे उसका UI कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं बबल नोटिफिकेशन, ऑलो बबल नोटिफिकेशंस और मैनेज बबल नोटिफिकेशन। ये फीचर आई थिंक वर्क नहीं करता, बट ऑलो बबल नोटिफिकेशन ये जो फीचर है वर्क करता है 100%। यहाँ पे लिखा गया है व्हेन अ फ्लोटिंग मोड इज हिडन एट द एज ऑफ द स्क्रीन शूट्स नोटिफिकेशन बबल्स। मतलब यार, आपको कोई भी अगर आप कोई भी जो है फ्लोटिंग विंडोज में एनेबल करते हो, मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ इसको फ्लोटिंग विंडोज में एनेबल करता हूँ किसी चीज़ को, तो देख सकते हैं मैंने फाइल मैनेजर को फ्लोटिंग विंडोज में एनेबल कर दिया। बाकी इसमें जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे वो बबल के फॉर्मेट में हमको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी सही देखने में लगता है। ये जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी अगर मेरे को अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा नहीं है, अब जब इसको पर्सनली जब सिंपली यूज़ करोगे तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब फ्लोटिंग विंडोज जब यहाँ पे हमारे कोने में आता है तब यार वो स्टॉप हो जाता है, इसी उसकी पिक्चर दिखती है। बट इस फीचर को एनेबल करने के बाद आपके जो डिवाइस में नोटिफिकेशन वगैरह आने लगेंगे एकदम बबल टाइप में, यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस टाइप से। अब इनको स्टार्ट करके रख सकते हो, बाकी इस ऐप्स को नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो जो ऐप्स फ्लोटिंग विंडोज को सपोर्ट करते हैं उन्हीं ऐप्स में हमको फ्लोटिंग विंडोज सॉरी बबल नोटिफिकेशन का जो फीचर है देखने को मिलने वाला, जो अगर काफ़ी सही मेरे को दिखने में लगा। तो अगर मैं बता आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपली आपको एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन की लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से सिंपली आपको इस एपी को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेना, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो यार देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको सिंपली करना क्या, आपको एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आप सभी को बताओगे एक्टिविटी लॉन्चर में हमको बहुत सारे हिडन फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्रिक यार Mio 12.5 और Mio 13 में वर्क करेगी। बाकी ये मेरा पोको का डिवाइस है और Mio 13 इसमें रन कर रहा है। बाकी ये Redmi 9A है और इसमें मैं अभी फिलहाल कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ, जिसके रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अब देख सकते हैं हमारा जो ऑलवेज एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है बबल। जैसे यहाँ पे बबल सर्च करोगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में दो देखने को मिलेंगे। सिंपली आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, फिर आपका जो है बबल नोटिफिकेशन एनेबल हो जाएगा। फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से आएगा, लेकिन आपको सिंपली सेकंड वाले पे क्लिक करना है, फिर एक बार बबल नोटिफिकेशन जो फीचर है एनेबल हो जाएगा। तो यार सिंपली अगर आपको इसको होम स्क्रीन पर लाना है तो सिंपली आपको तीन डॉट पे करके क्रिएट शॉर्टकट कर देना है। तो क्रिएटिंग शॉर्टकट वगैरह आएगा, तो मैं पहले ही क्रिएट कर चुका। अगर आपका नहीं आता, कोई दिक्कत आती है, सिंपली आपको जाना है इसके ऐप इन्फो में और सिंपली आपको इसको परमिशन दे देनी है। सिंपली मैं आपको दिखा दो, अदर परमिशन में जाना है और होम स्क्रीन शॉर्टकट की जो टिक है इसको आप सिंपली ऑलवेज शो कर देना। उसके बाद मैं आपको सिंपली इसको जो है होम स्क्रीन पे शॉर्टकट लगा देना है। क्रिएट शॉर्टकट करोगे सिंपली आ जाएगा। तो अब सिंपली मैं सारा रिमूव करता हूँ। अब दिखा दो, मैं इस पर टाइप करोगे तो बबल नोटिफिकेशन का जो फीचर है देखने को मिल जाता है, जो कर काफ़ी सही है हिडन फीचर है। आई थिंक ये Mio 13.5 में हमको देखने को मिल सकता है। तो यार यही थी आज की वीडियो। सॉरी, अगर आपको इस फीचर को अनइंस्टॉल करना है तो यार आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना है। मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी एप्लीकेशन के ऐप इन्फो में जाना है। इस टाइप से ऐप इन्फो में जाना है, सिंपली आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर देना, फिर आपको जो ये फीचर है वर्क करना बंद कर जाएगा। देख सकते हैं ऐसे वर्क करना बंद कर जाएगा। अगर आपको फीचर पसंद नहीं है तो आप सिंपली इस ट्रिक की मदद से सिंपली इसको हटा वगैरह सकते हो। तो यार यही थी आज की वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब चलो टाटा और बाय।